होगा अगर आपकी कार बाइक से भी सस्ती पड़ जाए सिर्फ खरीदने के रेट को छोड़कर। तो ऐसी ही इंडियन में पर्सनल मोबिलिटी व्हीकल यानी PMV कदम रखने वाली है। भारत की तकदीर में जो बाइक चलाते हैं लोग उनसे काफ़ी छुटकारा मिल सकता है। थोड़ी महंगी पड़ सकती है पर इसके फायदे भी अनेक हैं। यह कार कोई सादा कार नहीं है, ये थोड़ी सी फ्यूचर बेस्ड बनाई गई है। इसमें काफ़ी इंटेलिजेंसी का यूज़ किया गया है और आपको सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी यूज किया गया है। देखने में एकदम मस्कुलर टाइप की लगती है, एकदम फ्यूचर बेस्ड। मेरा मानना है इसका अल्फा फ्रंट जो ग्रिल बनाई गई है काफ़ी एट्रैक्टिव है, यानी सामने को देखते ही एट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ स्टाइलिस्ट लॉन्ग टेल लाइट मिल जाती है आपके लिए, जो काफ़ी एट्रैक्टिव ये भी है, जो प्योर लाइनिंग वाली है। मीन ट्विन सिग्नेचर लाइट, अपीलिंग लाइट, मतलब इसकी लाइट भी है ना काफ़ी अपीलिंग फील होती है। उसके साथ साथ में आपको रेंज 160 km मिल जाता है। आप इसे टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मैक्सिमम खींच सकते हैं। साथ ही इसे चार्जर 3 किलोवाट का दिया जाता है, यानी 220 वोल्टेज 15 एम्पियर के सॉकेट में आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग का टाइम सिर्फ 4 घंटे का लेती है और 160 किलोमीटर रेंज प्रदान करती है। इसकी कॉस्ट इतनी कम है कि 0.75 इंडियन रुपीस में पर किलोमीटर पड़ने वाला है। तो क्यों ना इस कार को खरीदा जाए। मैं तो कहता हूँ कि ये बाइक से काफ़ी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल का जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे ही इसके रेट घटने वाले हैं। इसके साथ में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो फुली फीचर्स के साथ लोडेड है। इसके साथ में आपको PDNR मिल जाता है जो काफ़ी स्मार्ट शिफ्ट के रूप में है। बेस बोर्ड काफ़ी सुंदरता दिया गया है, एकदम नीट एंड क्लीन। उसके साथ में आपको राउंड फिगर इसका लेआउट अगर ऊपर का यानी एक्सटीरियर हम देखते हैं तो काफ़ी फ्यूचर बेस्ड है। गाँव शहर में ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ मार्केट में आने वाली है, तो हमें ऐसी गाड़ी का स्वागत करना चाहिए।